सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो के। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लिफ्टिंग एक्टिविटी के हजार्ड्स क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिफ्टिंग क्या होती है। लिफ्टिंग यानी कि कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसे लिफ्टिंग कहते हैं। ये जो लिफ्टिंग होती है वो आप बाय यूजिंग क्रेन से भी कर सकते हो, बूम ट्रक से कर सकते हो और फोरक्लिफ्ट से भी कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि जब भी अगर मान लो आप क्रेन से लिफ्टिंग कर रहे हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल आपको अगर रखना हो, तो उसमें क्या खतरे आएंगे और उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसके हजार्ड्स। सबसे पहला हजार्ड है सस्पेंडेड लोड। क्रेन से अगर मान लो आपने कोई लोड उठाया हुआ है और वो लोड के नीचे अगर मान लो कोई अगर आता है तो वो सस्पेंडेड लोड उसके ऊपर गिर सकता है। दूसरा है क्रेन जो है वो कोलैप्स हो सकती है। तीसरा है जो लोड है वो गिर सकता है। अगर आप डैमेज टूल्स और टैकल्स का अगर यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक हजार्ड है। अगर आप अच्छे से सिग्नलिंग नहीं दे रहे हो क्रेन ऑपरेटर को तो वो भी एक हजार्ड है। अगर मान लो क्रेन को आपने जब लगाया है और उसकी ग्राउंड कंडीशंस अगर मान लो सही नहीं है, वो अनइवन है, वो भी एक हजार्ड है। क्रेन को आपने जिस पोजीशन पे लगाया है, जो भी उसके इर्द गिर्द जो भी नियर बाय स्ट्रक्चर्स है, वो भी एक हजार्ड है। उसके ऊपर जो ओवरहेड पावर लाइन्स आती है वो भी एक हजार्ड है। उस क्रेन का मैकेनिकल फेलर भी हो सकता है, वो भी एक हजार्ड है। जिस लोड को उठा रहे हैं उसे अगर मान लो प्रॉपरली रिगिंग नहीं किया हुआ है, वो भी एक हजार्ड है। अगर मान लो कि लोड जो है वो ज़्यादा हो रहा है और उसकी मूवमेंट बराबर हो नहीं पा रही है, वो अनकंट्रोल हो रहा है, तो वो भी एक हजार्ड है। अब आइए देखते हैं कि लिफ्टिंग के प्रिकॉशंस क्या हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको लिफ्टिंग करना हो तो आपके पास होना चाहिए PTW यानी कि परमिट टू वर्क। फिर होना चाहिए उसका लिफ्टिंग प्लान। फिर होना चाहिए आपके पास TPI सर्टिफिकेट यानी कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट क्रेन का, टूल्स का और टैकल्स का, और साथ ही उस क्रेन का और टूल्स एंड टैकल्स का कलर कोडिंग होना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रेन ऑपरेटर का, जो रिगिंग सुपरवाइजर है उसका, और रिगर का भी। एक ही रिगर जो अप्रूव रिगर है, जिसके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है जो अप्रूव किया गया है, वही रिगर जो है वो क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल दे सकता है। जब भी आपको क्रेन की पोजीशंस करनी है तभी आपको ध्यान में रखना है कि नियर बाय में कोई एडजेसेंट स्ट्रक्चर ना हो या फिर उसके ऊपर कोई भी पावर लाइन्स ना हो। जो भी क्रेन का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। क्रेन का आपको डेली इंस्पेक्शंस करना है। आपने अगर मान लो क्रेन को लिफ्टिंग करने के लिए पोजीशन में लगा दिया तो साथ ही उसके सराउंडिंग में उसका जो लिफ्टिंग एरिया आता है उसको आपको बैरिकेड करना है और साथ ही लिफ्टिंग बोर्ड का साइन बोर्ड लगाना है ताकि एडजेसेंट जो भी एक्टिविटी चालू है उनको पता चल सके कि ये लिफ्टिंग एरिया है और इसमें जाना मना है। क्रेन से अगर मान लो कोई लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उस वक्त उस लोड के नीचे में किसी ने आना नहीं है या फिर खड़े भी रहना नहीं है। जब भी आप क्रेन की पोजीशन करते हो तो उसके जो आउट रिगर्स है वो फुल्ली एक्सटेंड होने चाहिए। क्रेन के जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है उसे आपको अच्छी तरह से इंस्टॉल करना है और चेक करना है, जैसे कि एंटी टू ब्लॉक डिवाइस, एनेमोमीटर, लिमिट स्विच एंड लेवल इंडिकेटर्स, और वो अच्छे से काम कर रहे हैं ये आपको इंश्योर करना है। जब भी आप क्रेन की पोजीशंस कर रहे हो तो आपको देखना है कि जो भी ग्राउंड लेवल है वो अच्छे से लेवल में है, और उसके जो आउट रिगर्स है जब भी आप एक्सटेंड करते हो तो उसके लिए आपको आउट रिगर पैड्स का इस्तेमाल करना है। जब भी आप क्रेन से किसी लोड को उठाते हो तो उस लोड को आपको दो टैगलाइन लगानी है ताकि उस लोड को आप कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों, ये थे लिफ्टिंग एक्टिविटी के हजार्ड्स और उसके रिलेवेंट प्रिकॉशंस। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिफ्टिंग एक्टिविटी क्या है, उसके हजार्ड्स क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हो तो आपको ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि लिफ्टिंग एक्टिविटी क्या है, उसमें कौन से हजार्ड आते हैं और उस हजार्ड को आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे। अगर मान लो आपने ये जो बताए गए पॉइंट्स है, जो हजार्ड्स है और जो प्रिकॉशंस है, ये अगर मान लो इंटरव्यूअर को अगर बता दिया तो वो ज़रूर सेटिस्फाई हो जाएगा और आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके मन में जो भी डाउट था
लिफ्टिंग एक्टिविटीज के हजार्ड और प्रिकॉशंस के बारे में वो सब क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।